च 11 रुपए का इजाफा किया गया है। वादा किया गया है, सीएम भगवंत मान ने खुद ट्वीट करके इस बाबत जानकारी दी है। सीएम ने लिखा है कि गन्ना काश्तकारा 11 रुपए का शुभ शगन। पंजाब च हुण गन्ने का रेट 391 रुपए हुआ है। पंजाब च गन्ने का रेट सारे देश तो वध है, हरियाणा के नालों भी 5 रुपए बताया गया है। गन्ने का रेट पंजाब च हरियाणा च गन्ने का रेट 386 रुपए है। सीएम भगवंत मान ने खुशखबरी दी है। वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं, पंजाब सरकार ने गन्ने का रेट बदलता। हाल ही जो किसान दे वलों जो है हाईवे जाम किया गया सी, जलंधर का 4 दिन तक जो किसान थे धरने पर डटे हुए थे, इसके करके उन्होंने जो धनो वाली फाटक है उसने भी धरना दिता है। हालांकि सीएम भगवंत मान के वलों जो है इसका कड़ा एतराज जताया गया। उन्होंने कहना सगा कि जे गलबात करनी है तो सड़क कोई थान नहीं है गलबात करने लिए, जे गलबात करनी है तो तुम सीएम ऑफिस आ सकते हो, पंजाब भवन आ सकते हो, पंजाब जो है सकत्रेत आ सकते हो। हुण पंजाब सरकार ने गन्ने का रेट वादा कर दिता है। मेरे मेरे सहयोगी पंकज कपाही फोन लाइन पर मौजूद ने। पंकज, इस तो पहला मैं पंकज रुख करने तो पहला सीएम का ट्वीट पढ़ांगी। सीएम भगवंत मान ने लिखा है कि पंजाब 11 रुपए का एक शुभ शगन होंदा है। आज पंजाब के गन्ना काश्तकारा 11 रुपए कीमत वादा करके पंजाब का गन्ने का रेट सारे देश तो वध, पंजाब 391 रुपए करके शुभ शगन किया जाता है। आने वाले दिनों च हर वर्ग के पंजाबियों मिलनगियां खुशखबरियां, तुहाडा पैसा तुहाडे नाम ते। जो पंजाब नाल जुड़े किसान ने गन्ना काश्तकार ने उन्होंने लिए वड्डी खबर है, वड्डा जिक्र है, जिथे कि सीएम भगवंत मान के वलों जो है ऐलान किया गया है गन्ने के रेट वधाने को लेकर। सीएम ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि पंजाब 11 रुपए का एक शुभ शगन होंदा है। आज पंजाब के गन्ना काश्तकारा 11 रुपए कीमत च वाधा करके पंजाब का गन्ने का रेट सारे देशों तो वध, पंजाब 391 रुपए करके शुभ शगन किया जाता है। आने वाले दिनों हर वर्ग के पंजाबियों मिलनगियां खुशखबरियां, तुहाडा पैसा तुहाडे नाम। ते मेरे सहयोगी पंकज कपाही फोन लाइन से मौजूद ने। पंकज, पंजाब दे जो गन्ना काश्तकारा लई वड्डी खबर खुशखबरी? निश्चित तौर से, क्योंकि हुण अज तो जिथे शुगर मिलां भी चलनिया शुरू हो जाएगी उत्थे ही 391 रुपए, पहला 380 रुपए रेट से, हुण 391 रुपए रेट जिहड़ा वै ओह कर दिता गया, यानी कि 11 रुपए इजाफा गन्ने के रेट के कर दिता गया। पिछले दिनों जी मीटिंग मुख्यमंत्री भगवंत मान के नाल किसान जथेबंदियों की हुई थी, उस मीटिंग दे विच इस गल दा कहा गया सीगा कि आने वाले दिनों दे विच पूरे मुल्क च सब तो ज्यादा गन्ने का रेट जिहड़ा वा पंजाब दे विच होएगा। असी अधिकारियों दे नाल मीटिंग करांगे और हुण सरकार दे वल्लों नोटिफिकेशन इस बाबत जारी कर दिता गया। 391 रुपए यानी कि 380 तो 391 11 रुपए रेट जिहड़ा वह इजाफा किया वा। और हरियाणे की गल की जाए, हरियाणे 386 रुपए है और हरियाणे तो 5 रुपए वध पंजाब दे विच गन्ने का रेट जिहड़ा वै वो हो गया। और इस बाबत मुख्यमंत्री भगवंत मान के वलों खुद ट्वीट कर जानकारी दी गई है और जिक्र किया गया है कि 11 रुपए रेट दे विच इजाफा जिहड़ा वै वो गन्ने दे किया गया, क्योंकि लगातार इस गल की चर्चा सी कि गन्ना हुण लगातार उसकी वाढ़ी हो रही है और मिलों के जाना वै, लेकिन उस ही शुगर मिलों से जाएगा जदों गन्ने के रेट से इजाफा होएगा, उस तो बाद शुगर मिलों चल सकनगियां। तो अज या कल तो गन्ने लैके शुगर मिलों भी जिथे चलनिया शुरू हो जाएगी उत्थे ही 11 रुपए का इजाफा जिहड़ा वै वो गन्ने के रेट के विच पंजाब सरकार के वलों कर दिता गया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सानू तमाम जानकारी देने लई। साडे नाल आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन बलविंदर कंग फोन लाइन से मौजूद ने। सर, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा न्यूज 18 पंजाब ते। पंजाब सरकार के वलों गन्ना काश्तकारा नू वड्डी सौगात, की कहना चाहोगे सर? जी डेफिनेटली, देखो फ्रॉम द फर्स्ट डे मान साहब की सरकार ने ये बड़ी पहले दिन तो ही तय किया और लगातार कोशिशा कर रहे हैं कि पंजाब की जी बैकबोन एग्रीकल्चर उन्होंने रिवाइव करना है, उन्होंने मजबूत करना है। और तुम देखा होना जो असी सरकार चाहे सी मान साहब बतौर चीफ मिनिस्टर उदो कई साल तो किसान जोड़े गन्ना किसान से उन्होंने पेमेंटा ही नहीं उन्होंने मिल रही सी। रेट तो चलो की मिलना है, जी उन्हों की पेंडिंग पेमेंट सी शुगर मिलों वाल सरकारी और गैर सरकारी, वो भी मान साहब की सरकार ने कई साल बाद दी और सब तो वध रेट भी पंजाब ने गन्ने का दिता। और साड़ी जिम्मेवारी भी और साड़ी पंजाब के लोगों का कमिटमेंट भी है और लगातार असी किसानी नू मजबूत कर ली, डाइवर्सीफाई कर ली और पंजाब दी पानी धरती की फर्टिलिटी बचाने लिए मान साहब की सरकार बहुत सारे उपराले कर रही है। अज उन्होंने इतिहासिक फैसला लिया है गन्ने का जिहड़ा रेट वधा के देश सब तो वध रेट अज अगर कोई स्टेट दे रहा है तो पंजाब दे रहा है
और पंजाब सरकार लगातार इसे तरीके नाल साडी किसान जिहड़े लोग बेमुख हो रहे सी उन्हां नूं वापस लियाउणा और किसानी नूं मजबूत करना है, क्योंकि पंजाब दी इकोनमी दी बैकबोन जिहड़ी है वो एग्रीकल्चर है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मलविंदर कंग, आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन साडे नाल जुड़े हुए सी। ते पंजाब सरकार ने गन्ने दे रेट च वादा कीता है, दस्सदे कि हरियाणा दे नालों 5 रुपए का इजाफा किया गया है, वादा किया गया है। हाल ही जो पंजाब के किसान सके जिन्हों के वालों धरना प्रदर्शन दिता गया, उन्होंने सीएम भगवंत मान की मीटिंग सी। हालांकि सीएम ने आश्वासन किसानों को दिता सगा कि जो गन्ने के रेट से वादा किया जाएगा, जो सैशन सदा गया है उस जो है वादा किया जाएगा। हालांकि उस सैशन से ऐलान नहीं किया गया, पर अज होने ही कुछ देर पहला ही सीएम भगवंत मान के वालों ट्वीट किया गया है। तो गन्ने काश्तकारा लिए वड्डी खबरी है, जो खुशखबरी है, दस के गन्ने के रेट च 11 रुपए का इजाफा किया है। सीएम मान ने खुद ट्वीट करके इस बाबत जानकारी दी है। सीएम मान ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है, कहा है कि गन्ना काश्तकारा 11 रुपए का शुभ शगन, पंजाब च गन्ने का रेट सारे देश तो वध है, हरियाणा के नालों 5 रुपए वधाया गया। हरियाणा च गन्ने का रेट की गल करिए तो गन्ने का रेट 386 रुपए है। सीएम भगवंत मान के वालों ट्वीट किया गया, उन्होंने लिखा कि पंजाब च 11 रुपए का एक शुभ शगन होंदा है, अज पंजाब के गन्ना काश्तकारा 11 रुपए कीमत वाधा करके पंजाब का गन्ने का रेट सारे देश तो वध, पंजाब च 391 रुपए करके शुभ शगन किया जाता है। आने वाले दिनों हर वर्ग के पंजाबियों को मिलनगियां खुशखबरियां, तुहाडा पैसा तुहाडे नाम ते, गन्ने के रेट च वाधा किया गया है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇੜ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਗੰਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ 11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਓਵਰਆਲ ਚਲੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 11 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਾਧੀ ਵਧਾਊਂਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 400+ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਐਰਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 370 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ 70-80 ਰੁਪਏ ਕੋਲੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਵੀ ਰੇਟ ਨਾ ਕਾਫੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਵਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਧਰਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲੋ, ਔਰ ਠੀਕ ਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਖੜੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਜਿਉਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰੂੰਗਾ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੇਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਬਕਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਰੇਟ ਚ 11 ਰੁਪਏ ਇਜਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੇਟ ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਵਾਧਾ ਵਾ। ਇਹ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਆਹ ਫਸਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਐਂ ਰੌਲਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਐਂ ਰੌਲਾ ਰਿਹਾ, ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਵੀ ਪੱਟ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬਣੂਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਰੇਟ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਸੀਂ 120 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਕੱਢਿਆ 470 ਰੁਪਏ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ, ਚਲ ਵੱਧ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 391 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 470 ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।
बहुत बहुत शुक्रिया सरवन सिंह पंदेर किसान आगू साडे नाल जुड़े सके। हालांकि जो गन्ने के रेट 11 रुपए का इजाफा तय किया गया है पर सरवन सिंह पंदेर का कहना है कि वो इस फैसले को लेकर सैटिस्फाइड नहीं है संतुष्ट नहीं ने ते हाल ही जो पंजाब सरकार के वालों सीएम भगवंत मान के वालों ट्वीट किया गया सीगा इस दे विच सीएम दे वालों आश्वासन दिता गया सीगा कि गन्ने के रेट इजाफा किया जाएगा। सीएम ने हाल ही ट्वीट किया है तो रेट वाधा भी किया है 391 रुपए रेट कर दिता है। सीएम ने लिखा है कि गन्ना काश्तकारों को 11 रुपए का शुभ शगन पंजाब च हुण गन्ने का रेट 391 रुपए होया सीगा। साडे किसान नेता जंगवीर सिंह फोन लाइन ते मौजूद ने सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। सीएम भगवंत मान दे वालों हाल ही ट्वीट किया गया है ते गन्ने दे रेट 11 रुपए का इजाफा किया गया किदां वेखदे हो इस फैसले नूं? देखो एक तो इन्होंने काफी लेट कर दिता गन्ने का रेट वधाउण दे विच काफी लेट कर दिता है पर दूजी गल तो यह हैगा भी जो सीएम साहब ने साडे नाल वादा किया कि जो हरियाणे ने 14 रुपये गन्ने का रेट वधाया उस तो मैं वधा के दूंगा। असी क्या सी 1 रुपया पा दो 2 रुपये पा दो तुसी 15 16 20 तक कर दौ 400 तक कर दौ पर यह लागत मुल के हिसाब न जिस तरह साढ़े गन्ने की फसल का खर्चा आता है वो करके बहुत घट आ यह रेट जे धरने लवा के ही इन्ना रेट लेना सीगा तो सरकार धरनिया तो पहले ही यह इन्ना रेट कर दें 10-11 रुपये तो कोई एडी गल नहीं सी। सो कहण तो भाव हैगा कि असी जिहड़ा ये रेट दे वाधा आ इहदा असी जिहड़ा आ इहनू असी मैं कहना भी संतुष्ट नहीं है इस फैसले तो नहीं असी इस फैसले तो ना खुश हैं जी। तो मांग की है तुहाडी किन्ना क्रिएट करना चाहिए? देखो असं कहने के जिहड़ा सरकार घट्टो घट 400 रुपया करे देखो 450 रुपया तो देना नहीं किसी ने भी पर 400 रुपया सरकार नूं रेट जिहड़ा आ देना चाहिए गन्ने का लागत मुल बहुत ज्यादा आ खर्चा बहुत आउंदा आ। सो असं जिहड़ा सीएम साहब ने ऐलान किया असं उहनां जिहड़े आ सहमत नहीं हैगे। पर जंगवीर जी हुण ते सारे देश च भारत दी गल करीए ते पंजाब सब तो वध कर दित्ता गया गन्ने का रेट। हाँ जी बिल्कुल सही है जी वध कर दिंदा जे तां हुण देखो 14 रुपये गन्ने का रेट हरियाणे ने वधाया सीगा सो जिहड़ी साडे नाल गल होई सी ते उहदे तो 2-4 रुपये वधा दिंदा 16 कर दिंदे 18 कर दिंदे 20 कर दिंदे ते 400 हो जाणा सीगा। सो किते ना किते किसानां दे विच हाले वी निराशा है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जंगवीर किसान नेता साडे नाल जुड़े सीगे। हालांकि जे किसान आगुआं दी गल करिए ते ओह इस सरकार दे फैसले तो कितना किते संतुष्ट नजर नहीं आ रहे सैटिस्फाइड नहीं नजर आ रहे। उन्हां दा तर्क है कि जो गन्ने दी लागत है उस काफ़ी खर्चा आंदा है इस दे विचाले। पर जे सीएम भगवंत मान दी गल करिए ते उन्होंने जो किसानों नूं आश्वासन दिता सीगा कि किसान दा रेट जो है गन्ने दा रेट वधाया जाएगा उस वादा ते कीता है पर उस दे उल्ट जे किसान आगुआं दी गल करिए ते उस फैसले नूं लैके कितना किते असंतुष्ट नजर आ रहे। ते वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं पंजाब सरकार ने गन्ने दे रेट च वादा किया है गन्ने दे रेट च 11 रुपए का इजाफा पंजाब सरकार दे वल्लों किया गया सीगा। हाल ही गन्ने काश्तकारा दे वल्लों धरना प्रदर्शन दिता गया सीगा जलंधर का हाईवे जाम किया गया सीगा आम पब्लिक नूं खजल खुआई का सामना करना पिया सीगा। इस विचाले तनो वाली फाटक से भी धरना उन्होंने वल्लों दिता गया सीगा। इस दे विचाले सीएम ने जो धरना देने ते भी सड़कां ते खर्रा एतराज जताया सीगा। उन्होंने कहा सीगा कि जे गलबात करनी है तो सड़क ते गलबात नहीं हो सकती गलबात करने लिए किसान आगू जद मर्जी आ सकते ने पंजाब भवन है पंजाब सैक्टरी हेड है सीएम ऑफिस है इसे दे विचाले उस तो बाद मीटिंग होंदी है ते आश्वासन दिता जाता है ते अज सीएम भगवंत मान दे वालों ट्वीट करके ऐलान किया जाता है 11 रुपए इजाफे का। सीएम भगवंत मान दे वालों ट्वीट किया गया ग्रैफिक जरिए तुम दस रहे उन्होंने की लिखा उन्होंने लिखा है कि पंजाब 11 रुपए का एक शुभ शगन होंदा है अज पंजाब दे गन्ना काश्तकारा नूं 11 रुपए कीमत च वाधा करके पंजाब दा गन्ने दा रेट सारे देश तों वध पंजाब विच 391 रुपए करके शुभ शगन कीता जांदा है। आउण वाले दिनां च हर वर्ग दे पंजाबियां नूं मिलणगियां खुशखबरियां तुहाडा पैसा तुहाडे पैसे ते इस विचाले सीएम ने ट्वीट किया है वादा भी किया है पर जो किसान आगू ने इस पूरे फैसले लेके कितना कितने असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। किसान नेता साडे नाल सरवन सिंह पंदेर जुड़े हुए थे उन्होंने कहना सीगा कि गन्ने की लागत काफ़ी खर्चा आता है ते वो इस फैसले तो सैटिस्फाइड नहीं ने गन्ने का रेट उन्होंने मुताबिक 470 होना चाहिए। एक होर किसान आगू जंगवीर साडे नाल जुड़े थे उन्होंने कहना सीगा कि तकरीबन घट्टो घट जो गन्ने का रेट है 400 तक होना चाहिए है पर वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं सीएम भगवंत मान के वालों हाल ही ट्वीट किया गया है। सीएम मान ने खुद ट्वीट करके इस बाबत जानकारी दी है कि पंजाब च हुण गन्ने का रेट 391 रुपए कर दिता है पहले 380 सीगा 11 रुपए का इजाफा किया गया है 11 रुपए का वाधा किया गया है तो पंजाब च गन्ने का रेट सारे देश तो वध कर दिता गया है। हरियाणा के नालों जे गन्ने की रेट की गल करिए तो 5 रुपए वाधा किया गया है 5 रुपए वधाए गए ने हरियाणा च गन्ने के रेट की गल करिए हरियाणा च गन्ने का रेट 386 रुपए। सीएम दे वालों
ट्वीट किया गया है, ऐलान किया गया है। सीएम ने लिखा है कि पंजाब 11 रुपए का एक शुभ शगन होता है। आज पंजाब के गन्ना काश्तकारों को 11 रुपए कीमत वादा करके पंजाब का गन्ने का रेट सारे देश तो वध पंजाब 391 रुपए कट के शुभ शगन किया जा रहा है। आने वाले दिनों हर वर्ग के पंजाबियों को मिलनगियां खुशखबरियां, तुहाडा पैसा तुहाडे।